हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी बज रहे देखो रात के 12:19 हो रहे हैं और अभी अपन को लग रही है भूख। तो अभी मैं आप लोगों को भाई एक क्विक रेसिपी बताने वाला हूँ बिरयानी की, ठीक है। तो ये होगी अपनी भाई बैचलर्स वाली बिरयानी। रंग बहुत बुरे लग रहे। तो सबसे पहले भाई अपन उठा लेते हैं यहाँ पे चावल। तो ये मैंने ले लिया भाई चावल। और क्या उठाएंगे यहाँ से, अपन दो प्याज उठा लेते हैं, एक थोड़ा टमाटर उठा लेते हैं, चॉपिंग कर लेंगे इन दो प्याज की और टमाटो की। तो गाइस अब अपन ले लेंगे यहाँ से अपना, ये है कुकर। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया। सबसे पहले आप को क्या करना है, चावल लेने और चावल को ना इनको थोड़ा धो लेना है। अपन यहाँ पे एक गिलास चावल ले लेते हैं। और चावल यार अगर तुम लोगों के पास बासमती वाले हो ना तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो अपना हो गया भाई एक गिलास चावल, इसको अब अपन जो है धोने के लिए इसमें रख देते हैं। इसमें अपन देख लेते हैं, और अगर आप लोगों के पास पनीर वगैरह हो ना तो भाई वो भी डाल लेना। अब जैसे मेरे पे ये पनीर है, ठीक है, आनंदनी ब्रांड ही चलता है, तो ये पनीर भी निकाल लेते हैं अपन। साथ में ये कुछ सब्जियां पड़ी हैं सुबह की, ये है गोभी, चलो गोभी भी काम आ जाएगी अपने। तो गाइस चावल अपने धुल गए हैं और अभी अपन इसको सोक करके रख देंगे। पनीर को भी मैं निकाल लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा पीसेस में कट के बाउल के अंदर अपन डाल के रख देते हैं फ्रेश पानी के अंदर। तो गाइस ये हो गई अपनी रेडी पनीर, पनीर के क्यूब्स छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसको फिल्टर वाला पानी डाल देता हूँ और इसको थोड़ी देर सोखने के लिए अपन रख देंगे। तो गाइस देखो अभी तक अपन ने क्या किया है, अपन ने निकाल लिया अपने फ्रिज में से सब्जियाँ, ठीक है। चावल जो है अपने सोख होने के लिए रखे हुए हैं, यहाँ पे पनीर अपन ने फ्रेश पानी के अंदर रख दी है जिससे कि जितना कुछ मटेरियल हो सब निकल जाए गंदा गंदा। ये मैंने ले लिया है भाई अपनी मसालदानी, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेनली यहाँ पे ये अपना नमक है, ये अपनी मिर्ची यूज़ करेंगे, हल्दी यूज़ करेंगे और ये अपना हरा धनिया ये यूज़ करेंगे, बस इसमें इतना यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे ये कटिंग करने के लिए मैंने रखी है, अभी मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये अपना तैयार है कुकर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखे हुए भाई कुछ खड़े मसाले, ठीक है। तो ये सबसे पहला खड़ा मसाला ये वाला है, ये अपनी है लौंग, ठीक है, और ये वाली अपनी है काली मिर्च जो अपन छोक के टाइम पे डालेंगे, ये अपना मेथी। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया, अभी फटाफट मैं चॉपिंग कर लेता हूँ। तो भाई फाइनली चॉपिंग हो गई अपनी, प्याज है इसके अंदर, टमाटर है और इसमें है हरी मिर्च, ठीक है। तो अभी अपन इसको साइड रख लेते हैं और अब अपन यूज़ करेंगे भाई इसके अंदर, अब अपन को चढ़ाना है तेल, ठीक है। तो तेल अपना है यहाँ पे, ये रहा तेल, तेल निकाल के अपन इसमें डाल देंगे। तो आपको जला लेनी है भाई गैस इसकी, ठीक है। लाइटर है अपना यहाँ पे, अब लेना है अपन को भाई तेल, ठीक है। तेल 2 चम्मच, चलो 3 डाल देना, 3 चम्मच, ठीक है। तो ये चावल है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइफ है ये, और चावल मैं आज आपको सिखाऊंगा ना बनाना, ज़रूर ट्राई करना, मस्त बनेंगे। तो अभी इसको गर्म होने देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद अपन को सबसे पहले ये खड़े मसाले डालेंगे अपन इसके अंदर, अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या डाल रहा हूँ। तो गाइस अभी हो गया अपना तेल गरम, ठीक है। तो अब अपन क्या क्या मसाले डालने वाले हैं वो मैं बताता चाहता हूँ, डालता जाता हूँ। अपन ले रहे हैं भाई सबसे पहले 2 इसके अंदर से मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, काली मिर्च। तो इसके 2 या 3 पीस आप लोग उठा लेना। तो ये मैंने उठा लिया भाई, इसमें 4 पीस आ गए, तो चलो 4 डाल देते हैं। ये 4 डाल दिए मैंने भाई, ठीक है। फिर अपन ये ले लेते हैं, ये 2 डालेंगे अपन, ये मैंने 2 डाल दिए हैं, भाप निकलने लग गई। अब डालेंगे भाई इसमें अपन प्याज, ठीक
तो प्याज डालते टाइम भाई थोड़ा दूर हो जाना, एकदम तेल छलता है भाई। पहले मैं इसको चला देता हूँ। तो भाई की गैस ना देखो कम कर लेना थोड़ी, मैंने ज़्यादा कर सकते यार, कम कर लेना इसको। तो भाई थोड़ी थोड़ी प्याज अपनी ऐसे ही ऐसी हो गई है, देखो भाई ऐसी हालत हो गई है प्याज की, सारा ज़्यादा गैस हो गई। तो भाई जब आज ना अपन का ये देखो ये मसाला जो है ये पूरा का पूरा ये हो रहा है, इसको ना पूरे अच्छे से भुनने देना। अब ना क्या करना भाई, इसी के अंदर ना मसाले डाल देना, मसाले डाल दो भाई, जो जो मसाला तुम्हें दिख रहा है ना सारा सब डाल दो। तो अभी मेरे को देखो ये अपने पे देखो मसाले की रेंज पड़ी है भाई पूरी, तो कश्मीरी मिर्च उठा लेते हैं अपन थोड़ी, ठीक है ये मसाले पड़े हैं यहाँ से ना किचन किंग और उठा लेते हैं अपन, ये रहा किचन किंग मसाला। तो अभी अपन ये ले चलते इधर और ना मसाले डाल देंगे इसमें सारे, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाओ बढ़िया से, ऐसे मास्टर शेफ बन जाओ पूरा मास्टर शेफ, आज बनाएंगे भाई बढ़िया चावल, ठीक है। अब इसमें ना देखो एक चम्मच मैंने ले लिया भाई हल्दी पाउडर, नहीं हल्दी नहीं है ये क्या है धनिया पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर थोड़ा सा और ले लेते हैं, ठीक है थोड़ी सी इसमें मिर्च ले लेंगे क्योंकि आप देख दो हरी मिर्च डाल रखी है, थोड़ी मिर्च थोड़ी सी और, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ भाई हल्दी बिल्कुल बढ़िया टर्मरिक इंग्लिश में, ये हो गया और क्या रह गया, अब डाल दो भाई किचन किंग श्रद्धा अनुसार जितना तुम्हारा मन करे डाल दो। तो ये देखो मसाले ज़्यादा हो गए, चलो ठीक है भाई किचन किंग डाल दिया। ये अपनी है कश्मीरी मिर्च, मैं कश्मीरी मिर्च डाल दूँगा, बस ठीक है। अब ये सारे भाई सारे मसाले गिर गए अपने, ठीक है एक टूट मसाले गिर गए, अब आपको क्या मिक्स कर लेना, ऐसे मिक्स कर लेना भाई दाल चढ़ रही है, ठीक है गाइस ये मिक्स कर लिया अपने, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं बिल्कुल थोड़ा सा डालना इतना कि बस सब मिक्स हो जाए। तो गाइस अभी अपन को वेट करना भाई मसाले भुनने का, ठीक है मसाले भुनना भुना या नहीं भुना वो कैसे पता लगेगा वो बता देता हूँ। तो देखो ये मसाला भी तुम्हें दिख रहा होगा, अभी ना इसमें ऑयल नहीं निकला, जब ये भुन जाएगा ना तो इसमें ना तेल छोड़ने लगेगा, तो वो निशानी है जब ये तेल छोड़ेगा ना तब अपन ने क्या करना है भाई थोड़ी सी पनीर लेनी है, मतलब आधी जितनी आपने ली है ना इससे आधी से थोड़ी सी कम लेनी है और वो अपन इस मसाले में डाल देंगे, ठीक है साथ में अपन डाल देंगे ये वाली अपनी हरी मेथी, थोड़ा सा इसको ना ऐसे ऐसे करके चूर देते हैं, थोड़ा सा चूर के ऐसे डाल देंगे इसमें, उसके बाद फिर अपन इसको भुनने देंगे और फिर डालेंगे अपन इसमें चावल मिक्स। तो अभी मैं पहले वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा ये मसाला भुन जाए फिर अपन आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो गाइस अभी ना इसमें देखो थोड़ा जलने जलने ऐसा लग गया, तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ पहले पानी हल्का सा बस, और ये जो मेथी है ना मेथी को लेंगे और भाई ऐसे ओहो सारे भाप आ रही है इसको ऐसे करके डाल देंगे, डाल दिया इसको कर देंगे हम ऐसे मिक्स कर देंगे भाई, मिक्स हो गया देखो ऐसा हो गया पूरा, और इसमें मैं डाल दूंगा ये चावल तो सारे चावल डाल देने आपने ऐसे करके ऊपर तो भाई ये गलती नहीं करनी आपने जो मैंने करी है, वेस्ट नहीं करना भाई फूड, तो फूड हमने कर दिया अंदर राइस, और अब ना इसको बढ़िया से मिक्स कर देना आपने ऐसे करके। तो भाई देखो ये चावल ना आपने ऐसे आराम आराम से करना, देखो साइडों से टूटने नहीं चाहिए गाइस वरना फिर फ़ायदा नहीं है ना, बिरयानी वाले चावल कैसे बनेंगे, ठीक है वैसे गरीबों वाले चावल हैं छोटे हैं तुम बड़े लेना भाई, ठीक है। अब ये अपने पनीर आ गए, पनीर मैं इसमें डाल रहा हूँ ये देखो इतनी सारी भाई साहब, ठीक है ये पनीर डाल देंगे अपन इसमें। अब अपन इसको करेंगे थोड़ा हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है हल्के हाथ, ठीक है ऐसे मिक्स कर देना इसमें, मतलब मसाला चिपक जाए अपना मेन पर्पस ये है मसाला चिपक जाना चाहिए,
ठीक है। अभी अब जो मेरे पे सब्जी थी ना, तो मैं गोभी वाली डाल रहा हूँ, वो आलू वाली नहीं डाल रहा यार, ये वाली नहीं डाल रहा मैं, अजीब सी लग रही है, स्वाद भी नहीं था इसका, ये वाली अच्छी बनी थी, तो इसको अपन डाल देंगे सारी गोभी। गोभी है ये। तो गाइस देखो, अपने चावल जो है यहाँ पे भुनने के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो भाई अब आपको ना मतलब सब्जी वब्जी डाल के इसको भुनना है। तो भुनने का मेन पर्पस यही है यार कि मतलब इसमें ना सारी खुशबू वुशबू आ जाती है बढ़िया सी, तो इसलिए मैंने भुनने के लिए छोड़ा हुआ है। बाकी इसके अंदर ना थोड़ा सा घी डाल सकते हो, तो मैं एक चम्मच घी डाल देता हूँ। ये रहा मेरा घी, घी से थोड़ी सी फ्रेगनेंस और बढ़िया हो जाएगी। तो ये भाई आपने डालना है एक चम्मच घी, ठीक है, ये डाल दिया एक चम्मच घी, आप अपनी इच्छा अनुसार डाल लेना, जो जिम ठीक हो वो मत डालना भाई, बाकी आपन तो खा लेते हैं। तो ये घी डल गया अपना, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ आराम आराम से, हल्के हाथ से। सब्जी वब्जी भाई मैंने इस टाइम पे सब कुछ डाल दिया इसमें, बस अब और कुछ नहीं डालना इसमें, इसको आराम से अपने ऐसे हिला देना। तो भाई अभी खुशबू आने लगी है बहुत बढ़िया वाली, ठीक है। तो अभी यार ये जो खड़े मसाले थे ना, ये मतलब बेसिक खड़े मसाले हर किसी के घर में होते हैं, तो इसलिए मैंने बस यही डाल लिया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं, तो वो अपने पे है नहीं, तो अपन इसी से अपना काम चला लेंगे, इससे भी बहुत बढ़िया बन जाएंगे चावल अपने, ठीक है। तो अभी अपन को डालना है इसके अंदर पानी, थोड़ा भून तो गया ये, थोड़ा थोड़ा मेरे को तेल भी दिखने लगा है, ठीक है। अब पानी कितना डालना है कि देखो, आपने ये गिलास लिया था ना मेनली, जब आपने जब हम लोगों ने यार चावल लिए थे, तब हमने इस वाले गिलास से लिए थे एक गिलास चावल। तो आपने जितने भी चावल लिए ना, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, जैसे एक गिलास मैंने चावल लिया तो एक गिलास पानी डलेगा, साथ में आधा गिलास इसमें आप और डाल दोगे, मतलब एक गिलास चावल पे डेढ़ गिलास पानी सेम गिलास होना चाहिए। तो अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको अपन फिल कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे डेढ़ गिलास पानी डालेंगे इसमें, तो ये हो गया भाई अपना एक गिलास, एक गिलास मैंने पानी ले लिया, इसको यहाँ रख देते हैं। अब ये देखो थोड़ा थोड़ा ना नीचे से लगने लगा होगा, हल्का हल्का, ये देखो लग रहा है ना नीचे, थोड़ा टच करोगे तो आपको हल्का हल्का फील होगा, तो इसका मतलब अपना पूरा भुन चुका है बिल्कुल बढ़िया से। अब खुशबू भाई ज़बरदस्त आ गई एकदम, तब मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अब मैं इसमें डाल देता हूँ पानी एक गिलास, ये देखो ये गया अपना भाई एक गिलास पानी, ठीक है। अब इसमें जाएगा आधा गिलास और, तो ये मैंने ओपन किया, आधा गिलास पानी और, ठीक है। अब आपको इसको ऐसे आराम आराम से थोड़ा सा चला देना, तो देख लो पानी में ना बस हल्के हल्के डूब गए हैं चावल, बस इतना डुबाना है हम लोगों को, ठीक है। अब ना आप लोगों को नमक वमक टेस्ट करना है, तो इसको ऐसे नमक टेस्ट कर लेना, मतलब इस पानी को टेस्ट कर लेना, तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। अब इस टाइम पे अपन कर लेंगे भाई इसकी गैस फुल, मैंने फुल कर लिया गैस। देखो अब अपने हो गए चावल भाई रेडी, रेडी नहीं हुए, पानी डाला अभी इसमें, तो अब आप इसको ढक देंगे, तो ऐसे करके आपको ऐसे कर देना, और इसको क्लिप को ऐसे लगा देना। तो ये भाई अपने हो गए चावल, अब यहाँ पे मैंने गैस फुल है भाई, ठीक है, फुल कर देना, अभी वेट करते हैं। दो सीटी लगेगी इसके अंदर, दो सीटी के बाद आपको खोल देना है, ऐसा मत करना दो सीटी ख़त्म हुई और खोलना शुरू कर दो तुम इसको, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा स्टीम होने देना, जब ये थोड़ा सा स्टीम हो जाए, मतलब ऐसे आप लोग ऐसे टच करके देखोगे ना, तो जब प्रेशर नहीं आएगा तो पता लग जाएगा आप लोगों को कि हाँ चलो प्रेशर नहीं आ रहा, तो उस टाइम पर आप इसको खोल लेना, ठीक है। गाइस देखो अभी आने वाली सीटी, तो मैं सीटी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, दो सीटी पे अपन को कर देना बंद बिल्कुल, ठीक है। और अभी मैं दिखाता हूँ चावल कैसे बने हैं, एक बार सीटी लग जाए फिर मिलता हूँ आप लोगों से हमारी डाइनिंग टेबल पे। गाइस फर्स्ट सीटी इन 3 2 1, आजा 100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 0
चलो कोई नहीं। तो गाइस पहली सीटी आ गई अपनी, अब आएगी दूसरी सीटी। दूसरी सीटी पे अपन को कर देना है इसको खत्म। सीटी नंबर टू,
तो भाई दो आ गई, दो पे मैंने कर दी इसको बंद। सो अभी आप को इसको ऐसे ही रहने देना 5-10 मिनट। देखो आवाज़ आ रही है ना, तो ऐसी आवाज़ आए तो आपको खोलना नहीं है इसको, ऐसे ही रहने देना। तो गाइज अपने चावल बन के हो गए हैं रेडी, और देखो इसमें सीटी है ना, सीटी नहीं निकल चुकी है सारा कुछ। तो अब मैं इसको खोल देता हूँ, और देखो तुम्हारे सामने पहली बार खोल रहा हूँ, देखते हैं कैसे बने। ओ भाई साहब ये देखो, थोड़ा भाई मैं रोशनी में लेके आता हूँ, रुको एक मिनट, तो मैं ना ऐसे दिख नहीं पाएंगे। ये देखो भाई क्या सही लग रहे हैं, देख रहे हो भाई, भाई भाप आ गई मेरे इस पे कैमरे पे, देख लो। तो देखो भाई ऐसे बने हैं, और खुशबू हाँ 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 MDH मसाले, बढ़िया भाई बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको डालता हूँ भाई थाली पे, और फिर अपन खाएंगे। अच्छा अब आपको इसको खाना कैसे वो बताता हूँ। इसके साथ भाई अपन यूज़ करने वाले हैं दही, ठीक है, ये कर्ड है, तो अपन इसको कर्ड के साथ आप लोग खा सकते हो, बाकी नॉर्मल ऐसे भी खा सकते हो। तो गाइस अपनी बन गई है भाई बिरयानी, कौन सी वाली, बैचलर्स वाली भाई बिरयानी अपनी रेडी हो गई है। आप लोगों ने देखा मैंने पूरा सब कुछ बताया आपको कैसे कैसे बनाना है। कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन पे आ जाना, उसमें आप लोग बता सकते हो मेरे को जो भी कोई डाउट हो, ठीक है। तो बनाओ खाओ पियो ऐश करो, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।